अगर मैं आज आपसे कहूँ कि 800 साल पुरानी बनी हुई कोई चीज़ आज भी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण है रामप्पा टेम्पल, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करा है। इसी के बारे में आज हम एक कम्प्लीट एनालिसिस करेंगे। क्या ऐसी खास बातें हैं इस मंदिर में जो इसे सभी और जगहों से, ऐसी इतने तमाम जगह हैं भारत में लेकिन उनसे एक अलग बनाती है, और ऐसे कुछ और भी तथ्यों के बारे में जानकारी बताएंगे जिससे जो साइंटिस्ट हैं वो भी शॉक हो चुके हैं। तो इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या हर कोई चीज़ ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाती है, और कहाँ हमारा इंडिया स्टैंड करता है नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यानी कंप्लीट एनालिसिस होगा इस वीडियो में। तो मैं अवधेश परिवार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ नॉलेज दानी पर। आइए शुरू करें। तो देखिए, किसी भी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के लिए उसमें कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए, यानी कुछ एक्सेप्शनल होना चाहिए। ऐसी कोई कॉमन जगह ऐसा नहीं है कि हर कोई जगह यूनिवर्सल, मतलब आप उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा कुछ खास बात होनी चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड होने के लिए यूनेस्को ने ऐसे 10 क्राइटेरियाज दे रखे हैं, जिसमें से अगर आप एक भी मीट करते हैं, यानी आपके अगर मॉन्यूमेंट एक भी क्राइटेरिया को मीट करती है तो वो कहलाएगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो शामिल हो जाएगी। तो ऐसे 10 क्राइटेरिया की मैंने लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जो उन्हीं की साइट से है, तो आप उसको आराम से जाके पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको वहीं पर, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दे रखा होता है तो आपको वहीं से ज़्यादा समझ में आ पाएगी। अगर वैसे देखा जाए तो उसमें ऐसा होता है, जैसे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि लाइक एक क्रिएटिविटी, ह्यूमन क्रिएटिविटी जीनियस दिखाना चाहिए, मतलब ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, यानी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ह्यूमन की एक्सीलेंट क्रिएटिविटी दिखे, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर से जाती है वो जगह, वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन किया जाता है, पूरी एक प्रोसीजर होता है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाने के लिए। लेकिन एक दूसरा क्राइटेरिया होता है कि लाइक उसमें एक्सचेंज होना चाहिए, यानी एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर अ स्पेन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ लंबे समय तक आपने कुछ ह्यूमन वैल्यूज एक्सचेंज हुई हूँ, कुछ कल्चरल एक्सचेंज, या फिर कुछ ऐसा हो कि जो प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक कॉमन इंपॉर्टेंस हो, यानी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो एक इंस्पिरेशन का कारण बने, कुछ ऐसा एक्सेप्शन लो कि आने वाली आगे वाली जनरेशन को भी वो भी आने वाली जनरेशन भी उतना एडमायर कर पाए उस चीज़ को। तो कुछ ऐसा होना चाहिए उस जगह में खास कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ पाए। दूसरा हो सकता है कि वो इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ कल्चरल वैल्यूज, कुछ ह्यूमन वैल्यूज उसमें दिखने आई हों एक लंबे समय तक के लिए, यानी कि इतने जो अगर जिस रामप्पा टेम्पल की हम बात करें वो 13वीं सदी में बना है, यानी वो आज से करीब करीब 800 साल पहले पुराना का वो टेम्पल है, यानी कुछ उसमें खास है जो अब तक भी है। और अगर हम ये देखें रामप्पा टेम्पल, ये बात आपको जानने खुशी होगी कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये पहला और एकमात्र अभी तक का मॉन्यूमेंट है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आखिर कितनी है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया का उसमें कितना क्या नंबर आता है, यानी उसकी लिस्टिंग में इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। ऑफकोर्स हम बात करेंगे रामप्पा टेम्पल की कुछ खास बातों की वीडियो के आखिरी पार्ट में, लेकिन फिलहाल अभी हम ये जानते हैं कि कितनी साइट्स हैं एक्चुअल में। देखिए, अगर हम देखें एज ऑफ जुलाई 2021 तो टोटल मिलाकर 1153 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1153 साइट्स हैं। और सबसे पहला नंबर आता है इटली का, यानी उसमें सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, उसमें 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, उसके बाद हमारा छठे नंबर पर आता है इंडिया का नंबर, जिसमें जो रामप्पा टेम्पल है वो 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जो अभी अभी हाल ही में घोषित करी गई है। ये जो रामप्पा टेम्पल है ये 2014 से ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक तरीके से वो स्थान या वो मॉन्यूमेंट या वो मॉन्यूमेंट जो कि कंट्री समझती है कि यार ये एक वो पर्टिकुलर जगह या फिर वो मॉन्यूमेंट है जो कि हाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होना चाहिए, मतलब एक कंट्री नॉमिनेट करती है उस पर्टिकुलर जगह को। अगर 2019 की बात करें जाए तो ये एकमात्र नॉमिनेशन था इंडिया की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग के लिए। ये जो रामप्पा टेम्पल है इसने अपने जो नॉमिनेशन करा है वो 2 क्राइटेरियाज के अंदर करा है, यानी इसमें बहुत सारे 10 क्राइटेरियाज थे ना, यानी 10 क्राइटेरियाज थे, उसमें से अगर आप एक भी फुलफिल करते हो तो आपको टैग मिल जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो इसने ऐसे 2 क्राइटेरियाज को मैं अपना नॉमिनेशन दिया है, क्राइटेरिया नंबर 1 और क्राइटेरिया नंबर 3। क्राइटेरिया नंबर 1 कहता है कि वो पर्टिकुलर जगह शुड बी अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, यानी क्रिएटिविटी के आधार पर, यानी ह्यूमन की क्रिएटिविटी के आधार पर इसने अपना नॉमिनेशन दिया पहला। और तीसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि बियरिंग अ यूनिक और एटलीस्ट एन एक्सेप्शनल टेस्टिमनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन विच इज लिविंग और विच हैज डिसअपियर्ड,
यानी अगर कम शब्दों में कहें तो एक्चुअली इसने कल्चरल यानी कल्चरल इंपॉर्टेंस के आधार पर इसने अपना नॉमिनेशन भरा, यानी दो पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंडर इसने अपना नॉमिनेशन फुलफिल करा। हाल ही में 17 मेंबर्स ने इसको समर्थन करा आउट ऑफ द 21 मेंबर्स, और इसी के अंतर्गत यह अब की बार शामिल हो चुका है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। अब हम जानते हैं कुछ खास बातें इस टेंपल के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह टेंपल बनाया किसने है और कब बना था। ये टेंपल 1213 में बनाया गया था ककटिया वंश के महाराजा गणपति देव के द्वारा। ये एक बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं और साथ ही एक एक्सीलेंट नक्काशी जो होती है ना उसको परिभाषित करता है। अगर हम बात करें एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ की इस टेंपल के बारे में, जिसको जो एक्चुअल में इसे अलग करती है काफ़ी और टेंपल से, क्योंकि और भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर एक अच्छी खासी नक्काशी देखने को मिलती है। ऐसे हमारे इंडिया तो एक हब है मंदिरों का, यानी इसमें मंदिरों के इतने जगह जगह मंदिर हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं, यानी जो लोग देखने आते हैं उनकी नक्काशी, उनकी सुंदरता देखने आते हैं। तो इस ऐसे मंदिर में ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खास होगा जिसने साइंटिस्ट को भी चकित कर दिया। तो इसकी अगर हम ईंटों की बात करें तो ये ईंटें फ्लोट कर पाती हैं वाटर में, यानी अगर इसके हम ईंट के टुकड़े को देखें तो ये पानी के अंदर समाता नहीं, यानी पानी के अंदर नीचे नहीं चला जाता, ये फ्लोट कर पाता है, तैर पाती हैं। ऐसा क्यों है? जो पानी होता है ना उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स की होती है, यानी और जो अगर हम नॉर्मल किसी भी ईंट को उठाकर देखें, कोई भी नॉर्मल ईंट को, तो उसकी करीब करीब 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स की डेंसिटी होती है। लेकिन जो ये ब्रिक्स जो कि इस टेंपल में लगी हैं उनकी डेंसिटी की बात करें तो वो हैं 0.85 से लेकर 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी जो पानी से भी कम डेंसिटी की जो ब्रिक्स हैं इसी कारण वो पानी में तैर पा रही हैं। लेकिन ये ब्रिक्स इतने कम डेंसिटी की बनी कैसे, यानी वो नॉर्मल ब्रिक्स तो है नहीं, तो वो क्या उसमें ऐसा खास है कि वो इतनी कम डेंसिटी की बन पाई हैं? ये माना जा रहा है कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो ईंट है इसमें कई तरह के जो लकड़ी होती है उसका मिक्स करा गया है, उसका जो टुकड़ा होता है उसका पार्ट है वो मिक्स करा गया है ईंट को बनाते वक्त, जो कि इसे काफ़ी हल्का बना देता है, उसकी डेंसिटी काफ़ी कम कर देता है, इसी वजह से पानी में तैर पा रही हैं। अगर हम क्योंकि वैसे देखें तो कई जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खंडित ओवर द टाइम इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी भारी भड़कम होते हैं, यानी अर्थक्वेक आया तो वो गिर जाते हैं या फिर बहुत ही कुछ ऐसा आता है तो वो अपने वजन को ही सहन नहीं कर पाते, जो नीम होती है उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये मंदिर क्योंकि ये बहुत ही हल्का है इसी वजह से बड़े बड़े झटके भी ये सहन कर पाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि 800 साल कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ पे कितने ज़्यादा अर्थक्वेक आए होंगे। और ख़ास बात यह है कि ये सीस्मिक जोन में बना हुआ है। सीस्मिक जोन का मतलब होता है कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यानी जहाँ पर सीस्मिक वेव्स ज़्यादा होती हैं जिससे अर्थक्वेक होने के ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये इसमें ऐसा क्या खास है? यहाँ पर सैंडबॉक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, यानी कि एक मानना है कि जो मंदिर है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को पहले सैंड के नीचे, मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया गया, उसके ऊपर सैंड रखी गई है, उसके बाद ऊपर स्ट्रक्चर बनाया गया है, यानी कि वो जो सैंड रखी गई है वो पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब कर लेती है जो अर्थक्वेक वाली जो वेव्स होती है ना, सीस्मिक वेव्स को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो ये सोचने वाली बात है कि 800 साल पहले भी इतना ज़्यादा दिमाग लगाया गया था, एक एक्सीलेंट अपनी सच में ह्यूमन क्रिएटिविटी दिखाई है एक ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिन्होंने पहले सोच रखा था कि हाँ यार ये लंबे समय तक हमें चलाना है। ऐसा माना जाता है कि 17वीं और 18वीं सदी में अर्थक्वेक्स आए थे, यानी कि वहाँ पर जो आसपास जो घर थे और जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे वो सारे खंडित हो चुके थे, लेकिन ये मंदिर वैसा का वैसा स्थापित है। अगर हम इसके और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर एक पिलर है, बसल्ट पिलर, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो बाई चांस तो प्लीज़ मेरा माफ़ कर देना। तो ये जो पिलर है ये काफ़ी फेमस है, यानी ये की अट्रैक्शन है वहाँ के टूरिस्ट का। इसमें 204 लाइनें लिखी गई हैं कन्नड़ और तेलुगु स्क्रिप्ट में, जो कि वहाँ के पहले के टेंपल की जो हिस्ट्री है और रूलर्स की हिस्ट्री है वो बयां करती है। अगर हम बात करें टेंपल के भारी दीवारों की तो वहाँ पर 526 छोटे हाथी कार्व करे गए हैं जो कि टेंपल की तरफ का रास्ता दिखाते हैं, और वो एंटायरली डिफरेंट है एक दूसरे से और साथ ही साथ जुड़े हुए भी हैं, यानी एक बहुत ही सुंदर सा दृश्य देखने को मिलता है वहाँ पर। ये तो बात थी कुछ फीचर्स की इस मंदिर के बारे में, लेकिन हम वहाँ पर अगर रहने वाले लोगों की बात करें तो वहाँ पर 2000 लोगों का एक छोटा सा गांव है, 2011 सेंसस का है ये रिकॉर्ड। तो उन वो काफ़ी एक्साइटेड है वहाँ के लोग कि उनको एक पता चला है कि अच्छा यार हमारे छोटे से जगह को एक वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन मिलने लगा है। एक तरीके से उनमें एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि जब आपको एक इतने बड़े लेवल पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक टैग मिल जाता है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा टूरिज्म का एक रश देखने को मिलता है।
वैसे भी देखें ना, अगर हम कहीं भी नेट पर सर्च करें, क्योंकि देखा जाए तो लिमिटेड ही तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. अभी तो हम 1153 वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी एज ऑफ जुलाई 2021. यानी हम अगर हम वैसे देखें, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, तो हमारा मन नहीं करेगा कि हाँ यार वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या क्या है उस कंट्री में, यानी जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करी गई हैं. तो एक बहुत बड़ी बात है ये किसी भी छोटे से गाँव के लिए कि उसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का होना. तो वहाँ के लोगों में ऑफकोर्स उत्साह होना जायज है. वहाँ के वहीं पे अभी सिक्योरिटी को देखते हुए एक पुलिस आउटपोस्ट भी वहाँ पर लगाई गई है हाल ही में. और वहाँ पे जो आने वाले टूरिस्ट की जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है अभी से ही. और ये एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर ये जो जनसंख्या है ये अभी 8 गुना और भी बढ़ जाएगी इंटरनेशनल नेशनल टूरिस्ट की. तो ये बहुत ही वहाँ के लिए लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है. बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आगे तक शेयर करें. आपने अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर अभी तक नहीं करा हो तो ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होते रहेंगे. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक भी करें वीडियो को, ताकि और भी रिकमेंडेड सेक्शन में जाइए लोगों के. और अगर आपको कुछ और बातें पता हैं इस मंदिर के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मुझे भी जानकारी मिलेगी. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार एक और टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहें वीडियो बनाने के लिए, तो ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.